और उस तो बाद साडे जो है पंज निशानची वीर जिन्हां ने कि सुंदर पोशाकां पाईआं होईआं हन और इस ठंडे मौसम दे विच पैंदी हुई बरसात दे विच भी बड़ी चढ़दी कला दे विच सेवा कर रहे हैं। उस तो अगे साडे जो है पंज प्यारे जिन्हां ने हुण असीं आप जी नूं दर्शन कराउणे आ पंज प्यारिआं दे जो कि बहुत ही खूबसूरत दस्तारे सजाए हुए हैं और हाथां दे विच श्री साहबां जो है नंगी श्री साहिब जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यह गुरु साहब का रूप आप गुरु साहब ने सानू कहा सीगा जिथे पंज होणगे मैं आप हाजिर होवांगा। इस तरह का ही दृश्य है जिथे महाराज आप इन्हां पंजां दे विच विराज रहे हैं और अपनी शक्ति दे रहे हैं ताकि इस तरह ही गुरु ग्रंथ साहब जी की अगवाई कर रहे हैं और नगर कीर्तन की अगवाई कर रहे हैं। असी इन्हों का दर्शन करके बड़ा ही वड्डभागा महसूस कर रहे हाँ। सतसंग जी हुण आप जी दर्शन कर रहे हो उस खूबसूरत पालकी दे जिस दे विच महाराज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी सजाई हुई है और उस दे उपर बहुत सुंदर अक्षरां च लिखा है सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत और सब तो वड्डी गल उहदे नाल ही इंग्लिश दे विच उहदी ट्रांसलेशन भी लिखी है ही अलोन इज नोन एज ए स्पिरिचुअल हीरो हु फाइट्स इन डिफेंस ऑफ रिलीजन राइटियसनेस और उसके नीचे लिखा हुआ है एक पिता एकस के हमबारक तू मेरा गुरहाई। हाँ जी और ये बहुत ही चंगा मैसेज जो है आने वाले दूसरिया कम्युनिटियां नू और साडे बच्चे बच्चियां वास्ते भी है जिथे गुरु साहब की गुरबाणी नू पूरे सही तरीके नाल पेश किया गया है नाल ही उसका मतलब लिखा है इन्हीं के प्रसाद सुब विद्या लई इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे। गुरु साहब लिखते हैं कि यह खालसे की बदौलत ही हाँ जी मैनू यह जो है मैं ये सारिया जंगा जीतिया हैं और ये आप देख रहे हो कि खूबसूरत पालकी दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी सजाई हुई और कीर्तन चल रहा है। कीर्तनी जथा बहुत ही सुंदर शब्द गायन कर रहा है नाल ही बीबियां बैठिया हैं जो कि संगत नू प्रसाद वरता रही हैं। संगत बड़ी श्रद्धा नाल मत्था टेकती है और प्रसाद लेंदी है गुरु दियां खुशियां प्राप्त कर रही है। साध संगत जी एक मौसम इन्ना वधिया ना होने के बावजूद भी आप देख रहे हो किन्ना उत्साह है संगत दे विच और मैं अपने कैमरा वीन वीर नू कहांगा पिछे संगत दे एक जिहड़ी आ झलक दिखाउण। आप देख सकते हो किन्नी वड्डी गिणती दे विच संगतां जो है शामिल हैं और आप देख रहे हो किस तरह बच्चों परावान के छोटे छोटे बरसात के ढकया होया है और उन्होंने माता पिता चल रहे हैं। इन्होंने असी गलबात करा भैन जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। आप जी छोटे जे बच्चे नाल नगर कीर्तन के शामिल हो आपका उत्साह इस गल तो ही प्रतीत होंदा है। भाई साहब जी आप जी संगत को की सुनेहा देना चाहते हो? वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की अपनी एकता का सबूत पेश करते हाँ। साध संगत जी आप देख रहे हो वॉलंटियर्स ने जिहड़ियां ने येलो रंग दी जैकटां पाईआं होईआं हन और बड़ी सुचजे ढंग नाल संगत नूं गाइड कर रहे हैं। आउण जाण वाले का ख्याल रख्या जा रहा है और जो है यह सारी कौम सारी अपनी सिख धर्म दे विच विश्वास रखने वास्ते बड़ी वड्डी गल है। ये बड़े ही प्यार का सबूत है साध संगत जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सिंह सभा हौंसलो दे वाइस प्रेजिडेंट सरदार कृपा सिंह जी नन्नर साडे नाल शामिल हैं। आप जी सेवा कर रहे हैं पालकी साहब दे नाल आप जी नूं फतेह बजाउने हैं। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जी। यह जो अज का नगर कीर्तन है ये बारे थोड़ी जी संगत नूं जानकारी दो। हाँ जी ये साखी दे संबंध दे विच अज नगर कीर्तन हर साल ही सजाया जाता तो यदि जी सैटअप तुम देख सकते हैं रिकॉर्ड भी कर सकते हैं तो विसाखी मद्देनजर रख के सजाया जाता। हाँ जी ये 316वां अज जो विसाखी त्यौहार है वो मना रहे हैं। श्री सुख संगत सभा गुरुद्वारे वालों सारी संगत वालों
सारे मिल के आए दुआए से संगति भी खुशी सारे खतर हो वाहू खालसा वाहगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद साहब भाई साहब जी आप जी का साढ़े नाल हूँ शामिल हैं सरदार प्रीतम सिंह मान जो कि सिंह सभा हौंसलो के ट्रेजरर हैं और बड़े लंबे समय तो ये सेवावान सिंह सभा हौंसलो दे विच कर रहे हैं। उगे बिजनेसमैन हैं और आप जी बड़े तनो मनो तनो सेवा दे विच लगे रहिंदे हैं। आप जी नूं फतेह बुलाउंदे आ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपना जी मान साहब तुसी अपना संगत नूं इस मौके ते की ही मैसेज देना चाहोगे? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप साध संगत नूं साध संगत नूं लख लख वधाई गुरपुरब दियां जो कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ साजिया सी और अपने निजमां दे उत्ते चलण वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब दी स्थापना कीती सी तां कि इधर उधर दियां वहमां भरमां नूं दूर करन वास्ते इक्को ही गुरु शब्द नाल जोड़न वास्ते सारी संगत नूं प्रेरणा कीती सी जो कि अज तक इस गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूर्ण उपमा हो रही है और सत्कारयोग गुरु ग्रंथ साहिब ने। मैं अपने सिख चैनल नूं भी इस मौके दे उत्ते बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ। सच्चे गुरु ने कृपा की है सानू एक सिख चैनल एक अपना चैनल मिलिया है जिहड़ा कि बहुत ही श्लाघाजोग है। मैं इस तो अगे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी इस सुचजे प्रबंध को चलाने वास्ते सानू सेवादारों की जरूरत होंगी है। इस वल साडे नाल कुछ सेवादार शामिल हैं जिहड़े सारे इस प्रोग्राम को सही तरीके चलाने वास्ते संगतां की सेफ्टी का ख्याल रखने वास्ते इत्थे हाजिर हैं। भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी अज आप जी इस दिन ते सेवा कर रहे हो और कितनी खुशी महसूस कर रहे हो? बाबा जी की मेहर है जी, खुशी अंदरों मिलती है। काम कोई भी करे सेवा कोई भी होवे बाबे दी भागा वाली गल हैगी कि सेवा आपां नूं मिलदी आ ते हरेक नूं हमला मार के सेवा करनी चाहीदी है। ये अपने सिख कौम का एक बहुत ही वड्डी मेहरबानी है रब की बाबा जी की जिहड़ी हरेक उच्चा वड्डा छोटा मिल के सेवा करदे आ मिल के संगत दे नाल हौसला हुंदा ते बाबे दी मेहर है जी अपने सारे ते। एक होर खुशी दी गल है कि जिहड़ी आप जी हुणे हुणे सिक्खी दे विच शामिल होए हो आप जी अपने मन किन्ना भागा वाला महसूस कर रहे हो? बस जी बाबे दी मेहर है। पहली जनवरी तो लैके मैं दस्तार बननी शुरू की है। पहला जवानी च बहुत बनते रहते सीगे बाबे दी फिर मेहर हुई है ते बाबे दी बेनती है कि अगे भी हुण मेहर बनी रहे ते सेवा दिलों पूरी करांगे। कुछ लोग बाल रखना चाहते हैं सिंह सजना चाहते हैं मगर डरते हैं कि बहुत औखा काम है। आप जी क्योंकि हुण सिखी च आए हो आप जी उन्होंने वास्ते की सुनेहा देना चाहोगे? देखो जी ए डर जिहड़ा ना बाबा आपे दूर करदा बाबे दी मेहर होवे बंदे दे हर चीज़ ते फतेह हो सकती है हर मुश्किल ते फतेह हो सकती है। पग रखनी तो किस्मत की गल है बाल रखने दस्तार सजाउणी किस्मत की गल है ते बाबे दी मेहर है ही ते किस्मत होई है ते इस तरह बेनती है कि सारे दे मेहर होवे। धन्यवाद जी भाई साहब आप जी का बहुत बहुत भैन जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इस खालसा साजना दिवस से निकल रहे जिहड़े नगर कीर्तन ने इसते आप कितना खुश महसूस कर रहे हो? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होंगी है सारे जागत नूं देश प्रदेश बैठिया संगतां नूं मेरा बहुत बहुत बधाई विसाखी की और नगर कीर्तन की बहुत बहुत बधाइया। धन्यवाद भैन जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। असी साध संगत जी आप जी दर्शन करा रहे हैं जिहड़े साडे वीरां ने रस्ते दे विच बड़े ही संगत वास्ते प्रबंध किए हैं जिन्हां विच असीं एक स्टोर ते खड़े हाँ जिथे गुरु के प्यारियां ने बहुत ही सुचजे ढंग नाल चाह दा लंगर चौलां दा लंगर लगाया होया है। एक किन्ने उत्साह वाली गल है साध संगत जी असीं इन्हां नाल गल करदे हाँ। भाई साहब जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस नगर कीर्तन दे आप जी ने स्टॉल लाया है आप जी हमेशा ही लगाउंदे हो? हाँ जी सानूं अज 17 साल हो गए ने इत्थे स्टॉल लगांदे होए असीं ऐसे जगह ते इही चीज़ां दा लंगर लगाउंदे हाँ। अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप बड़े शुक तो आप जी के बड़े वड्डे भाग हैं जो आप जी इस तरह संगतां की सेवा दे विच लगे हुए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारे दर्शकों, तुसी देख रहे हो कि किस तरह किन्ना मौसम खराब है, किनिया तेज हवावां, जोरदार मीह, उसके बावजूद भी जो है सिखां दे विच उत्साह बेअंत है और छोटे छोटे बच्चे, बीबियां, बुजुर्ग, वीर भाई सब जो है चल रहे हैं। साढ़े नाल एक मिनट तत् साहब तुहाडे नाल भी गल करनी जरूरी है कि तुसी दूजे वर्ल्ड वार दे ओह गुरसिख प्यारे हो जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी दे विच काम किया और बहुत सेवावां कीतियां, तुसी अज दे दिन ते संगत नूं की कहना चाहुंदे हो? मैं यही कहना चाहुंदा कि सिखां ने गुरु गोबिंद सिंह साहब तो यही सिख्या सी कि संत सिपाही बनना, तो इस करके सिंघां नूं चाहीदा कि अपनी सेहत ठीक रखन, अपना करैक्टर ठीक रखन, तो उच्चे इरादे सारे साढ़े होने चाहिए आ। तो वाहेगुरु इन्हां दी कृपा नाल सब कुछ साढ़े मतलब सिख मजहब च होया और असी सिर्फ दूसरे मुल्कां लई नहीं सारी वर्ल्ड लई असी लड़े हाँ और असी ये नहीं सी कोई फतेह करना किसी नूं। फर्स्ट और सैकंड वर्ल्ड वार च जिहड़ा सिंघां ने हिस्सा लिया ये दुनिया के बिच हिस्टरी च हमेशा ही रहेगा। ये धन्यवाद जी तत् साहब। तत् साहब वो एक गुरसिख प्यारे हैं जिन्होंने सैकंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश आर्मी से काम किया और कुछ सरवाइविंग सिखां दे विचों हैं जिन्होंने बहुत सेवावां कीतियां। किसी वेले असी इन्हां दी डिटेल दे विच सारी कहानी संगत नाल सांझी करांगे कि किस तरह कित्थे इन्होंने सेवावां कीतियां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दर्शकों, तुसी देख रहे हो कि संगतां ने किन्ने उत्साह दे विच रस्ते दे विच स्टॉल्स लाए हुण, जिवें इत्थे आप देख रहे हो आपने कड़ा प्रसाद बनाया होया नाल पुलाओ राइस, उस दे नाल पूड़ियाँ छोले और इन्नी सेवा संगत दी हो रही है। गुरु नूं हाजर नाजर जाण के संगत नूं गुरु रूप जाण करके सारी सेवा हो रही है। जिन्हां ने स्टाल लाया है असीं सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ और असीं चाहवांगे सतगुरु इन्हां नूं कृपा करन, असीं इन्हां नाल भी गलबात करते हाँ। हाँ जी भाई साहब जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। अज दे शुभ दिहाड़े ते संगत नूं तुसीं की मैसेज देना चाहुंदे? असीं यही मैसेज दिंदे हां कि महाराज कृपा करे, हर साल इस तरह ही नगर कीर्तन निकलते रहन, इस तरह संगतां सेवा करदियां रहन। साढ़े इत्थे शालीमार होटल वालों, उन्हां दी मैनेजमेंट वालों, पड्डा फैमिली वालों ये स्टॉल लाए गए जी, तो महाराज कृपा करने संगतां नूं वेख के बड़ी खुशी हुंदी है, तो वाहिगुरू इदां कृपा करे जी हर साल। अच्छा, एक खास डिबेट चलती रहिंदी है कि जदों असीं इस तरह स्टॉल लाउने आ ते बाद च सफाई प्रोपर नहीं हुंदी, तुसीं की एक मेक श्योर करोगे कि जिन्ना भी रविश आले दुआले उह सारा क्लीयर होए? असीं हमेशा जी हर साल ही कोशिश है कि सारा कुछ क्लीयर करीदा जी, ते तुसी होर अज होर ख्याल रखांगे, पर हमेशा हर साल ही सारे बैग सारी चंगी तरह प्रॉपर सफाई की जाती है जी। धन्यवाद जी। प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हो किस तरह ये गुरु के प्यारे लाल जो है कड़ाइयां वड्डियां वड्डियां दे विच सड़क के कंढे तल रहे हैं, ब्रैड पकौड़े बन रहे हैं और होर बहुत सारे सुंदर सुंदर पकवान, बहुत सेवा श्रद्धा नाल हो रही है। असी जिहड़े कर रहे सेवा सिंह ने उन्हां नाल भी गल करांगे। भाई साहब जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी कितना खुश महसूस कर रहे हो नगर कीर्तन दे सेवा करके? मैं बहुत खुश अनुभव कर रहा हूं बिकॉज इट्स अवर ट्रेडिशन एंड वी आर जस्ट सर्विंग द ह्यूमैनिटी। अच्छा, जदों तुसी ये फूड सर्व करते हो सिख आए गैर सिख आए तुसी उस कोई फर्क नहीं महसूस करते? नहीं, बिल्कुल नहीं, साडे गुरु साहब ने नहीं दस्या सानू फर्क महसूस करना, इस करके असी नहीं फर्क महसूस करते। सिखी दी विलक्षणता जिथे किसी भी समाज का किसी भी कम्युनिटी का किसी भी वर्ग का बंदा है उन्होंने बराबर प्यार दिता जाता है, उन्होंने बराबर जो है असी लंगर फूड सर्व करते हाँ, ये सानू गुरु साहब के दिते हुए सिद्धांत हैं जिन्हें सानू चल के बड़ी खुशी मिलती है। प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हो कि किस तरह तेज हवावां चल रही हैं और ये नौजवान बच्चियां ये गुड़ियां किन्ने श्रद्धा नाल जो है गुरु साहब की सेवा च लगियां हन और इन्हां नूं कोई फिक्र नहीं है कि ठंड है, ये तेज हवावां तेज मीह पैंदा है, उसके बावजूद ही अपनी सेवा दे विच डटियां हुई हैं। असीं इन्हां नूं जो है सिर झुकाउंदे आ होए जे बच्चे बच्चियां नूं जिहड़े गुरु की सेवा करते हैं पूरी श्रद्धा नाल पूरे प्यार नाल, और ये भागां वाले हैं जो लगे हुए हैं किसी वेले साढ़े वास्ते, छोटे छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर ठंडी बुरज च बैठे सी ते अज भी सिख उन्हां पूर्णियां ते चल रहे हैं, अज भी सिख जो है तकलीफां दे विचों लंघदे हुए गुरु का शुक्र करते हैं, शुकराने च रहिंदे हैं। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा पर मैं ये दिखाउणा चाहुंदा कि इन्हां बच्चों नूं भी इन्हां चीज़ों तो सेध मिलती है, साडे इतिहास तो सेध मिलती है कि साडे वड्डिया ने की पूरने पाए सन। बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह साढ़े वास्ते ठंडे बुरज बैठे सन पर उन्होंने ईन नहीं सी मनी, धर्म नहीं सी छड्या,
रजा दे विच रह के हुक्म दे विच रह के अपनियां शहादतां दे दित्तियां। माता गुजर कौर ने साडे लई अपनी शहादत दे दित्ती मगर ईन नहीं मन्नी, भाणे नूं क्वेश्चन नहीं कीता। असीं कई वारी छोटियां छोटियां गल्लां ते ही गुरु साहब तों दूर हो जांदे हां कि गुरु साडे साहब ने आह काम नहीं कीता, असीं गुरद्वारे नहीं जाणा। मगर साध संगत जी, इस वक्त इह खालसा साजना दिवस सानू एक सेध मिलती है कि गुरु नू अपना आप अर्पण कर देना है, अपना सीस भेट कर देना है। गुरु आपे ही साड़ी रक्षा करेगा। गुरु समर्थ है, गुरु पूरा है, गुरु अधूरा नहीं।